ये रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू महादेव, थैंक यू स्पाइन। विहान इज फाइन, खतरे से बाहर है आपका बच्चा, आईसीयू में शिफ्ट किया, आप लोग जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सॉरी, देखा मैंने कहा था ना, अभी मनी विहान को कुछ नहीं होने देगा। ही इज फाइन अक्षु, अब तो सब ठीक है ना, तो प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बता, प्लीज सब भूल जाएंगे इस बात को, तू भी भूल जा। हाँ, पर अभिमन्यु को भी कुछ नहीं होगा, बिरला हॉस्पिटल को कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ होगा भी तो आनंद सर संभाल लेंगे। तू प्लीज अक्षु, तू सब मुझे बचा ले प्लीज। बच्चा तो ठीक हो गया, बट वी हैव टू फाइंड आउट के रीजन क्या है। ड्रग एलर्जी ताऊजी। व्हाट? विहान की फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है उसे किन दवाइयों से एलर्जी है, उसके बाद भी उसे वो इंजेक्शन दिया गया जिससे उसे एलर्जी है। ओह माय गॉड। सिस्टर मीना को बुलवाया था ना मैंने, बुलाया किसी ने? सिस्टर मीना ही बता सकती हैं कि उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती है। डॉक्टर आरोही की। गलत इंजेक्शन उस बच्ची को डॉक्टर आरोही ने दी थी। गलती से। आई कांट बिलीव दिस। डॉक्टर आरोही, आज सुबह ही तुम्हें प्रमोशन मिला है बिकॉज दिस हॉस्पिटल को लगता है कि तुम बहुत ही सिंसियर और इंटेलिजेंट डॉक्टर हो। तू एक बच्चे की, एक छोटे से बच्चे की जान चले जाती आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से। गलती हुई तो हुई, उसके बाद आके तुमने सच भी नहीं बताया। एक ही गलती कितनी बार करोगी तुम? मां के वक्त भी तुमने एक गलती की गुंजाइश हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन बिरला हॉस्पिटल में लापरवाही से बड़ी कोई गलती नहीं। यह बात हम अपने सारे एम्प्लॉयज को पहले दिन ही समझा देते हैं। तुम्हें भी समझाया था? समझाया था या नहीं? Yes, doctor. I'm sorry. माना सॉरी किसी की जान नहीं बचा सकता। हाँ, अगर समय रहते तुमने कन्फेस कर दिया होता, बता दिया होता कि तुमसे गलती हुई है, तो हम कुछ कर पाते। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जो टाइम हमने इस बात को समझने में लगाया है कि गलती कहां हुई है, वो टाइम हम उस बच्चे को बचाने में लगा सकते थे। जो एनर्जी हमने लोगों को संभालने में वेस्ट की है, वो एनर्जी हम बच्चे की जान बचाने में लगा सकते थे, लेकिन नहीं। एक बार फिर तुमने सच छुपाया। तुमने जो किया है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। 5 मिनट में डिपार्टमेंट के सारे लोग बोर्ड रूम में पहुंचो। प्लीज मुझे बचा ले प्लीज। कायरव वंश, तुम
दोनों वापस किचन में, आप क्या बना रहे हो? आरू के लिए पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आज उसे उसका प्रमोशन लेटर मिलेगा। जब लेके घर आएगी ना तो बहुत ही ग्रैंड वेलकम करेंगे हम उसका। सुबह तो जल्दबाजी में चली गई वो, मुंह मीठा करने कराने का टाइम ही नहीं मिला। अब जब शाम को हमारे फैमिली की फर्स्ट एवर डॉक्टर घर आएगी तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना उसके लिए। केक खिला के मूड और भी अच्छा करेंगे और फिर लंदन वाले डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे। यस यस। रेडी। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर आरुही। I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से डॉक्टर अभिमन्यु पे ब्लेम आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी Seriously? तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है कि ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा? अरे कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। फिर पेशेंट की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ना मेरा नाम, ना मेरी रेपुटेशन, ना मेरी इमेज, ना मेरा करियर। Do you realize what happened? मैंने तुमसे कहा था, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना, कान खोल के सुनो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक बच्चा, एक छोटे से बच्चे की जान चले जाती। एक माँ अपने बेटे को खो देती। वो बच्चा जो आगे जाके पता नहीं इंजीनियर बनता, साइंटिस्ट, डॉक्टर बन सकता था, वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता। I don't think तुम इस बात को समझ सकती हो। बिकॉज तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। नहीं, सॉरी डॉक्टर, आई एम नॉट डन टॉकिंग येट। हम पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं कि अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें, किस मुंह से कहेंगे हम? एंड आई गेट इट, वी डॉक्टर्स, हम लोग भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। What I can't get is, उस गलती को छुपाया कैसे तुमने? तुमने सिर्फ उस बच्चे का, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली का ट्रस्ट नहीं तोड़ा है, तुमने हर उस इंसान का ट्रस्ट तोड़ा है जो तुम पर विश्वास करता था, जिसे लगता था तुम एक सिंसियर डॉक्टर हो। मैं सिंसियर हूँ? नहीं, तुम सिंसियर नहीं, तुम डेंजरस हो, डेंजरस। प्लीज डॉक्टर अभिमन्यु, आप जानते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अब जानता हूं। तुम्हारा पेशेंट्स के आसपास होना खतरनाक है, इट्स रिस्की फॉर देम। डॉक्टर अभिमन्यु प्लीज। आई वाज सो श्योर अबाउट यू डॉक्टर आरोही, मैंने तो तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए भी रिकमेंड किया था, पर तुमने तो मेरी नजरों को शर्म से झुका दिया। अरे जब तुमसे गलती हुई थी तो बताया क्यों नहीं? डैमेज कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए थी ना, पर तुम तो भागी गई और फिर अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की। सिस्टर मीना ने सब बताया मुझे। एक तो फायर एक्सीडेंट की वजह से हमारा हॉस्पिटल ऑलरेडी न्यूज में है, हमें अपनी इमेज क्लियर करनी चाहिए, पर तुमने तो पता नहीं ये सब क्या कर दिया। सर आई एम रियली सॉरी। दैट विल नॉट हेल्प। हम एक नोबल प्रोफेशन में, हम भगवान ना सही लेकिन लोग हमें भगवान से कम नहीं समझते। डॉक्टर हरी, ओरिएंटेशन रूम में एक पोस्टर रखा हुआ है, शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा, शायद तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ में आया। मैं समझाता हूं, एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर के हाथ में चाकू भी किसी की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन एक लापरवाह डॉक्टर के हाथ में एक सुई भी किसी की जान ले सकती है। और ये जो हुआ है ना, वो तुमसे नहीं, किसी से भी, ताऊ जी, ताई जी, मुझसे, इस हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर या स्टाफ मेंबर से होता तो उसके साथ भी यही होता। बिकॉज रूल्स आर रूल्स एंड आर सेम फॉर एवरीवन। ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है, यू आर फायर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट।
एंड एज पर रूल्स तुम्हारे अगेंस्ट केस किया जाएगा और एक साल के लिए तुम्हारा लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके बाद तुम एक साल तक इस हॉस्पिटल में क्या किसी भी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता।